स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। माउस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। जितने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप में तो इंक्लूड माउस होता ही है, जितने डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसका एक प्रमुख हिस्सा है माउस। इट इज एन आउटपुट डिवाइस, सॉरी इट इज एन इनपुट डिवाइस। ये एक इनपुट डिवाइस में आता है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस हमने फर्स्ट में पढ़ी होंगी कौन सी होती है, तो ये इनपुट डिवाइस में आता है। ये माउस हैज टू बटन्स एंड ए स्क्रॉल व्हील। इसमें दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन, और एक बीच में स्क्रॉल व्हील होता है। स्क्रॉल समझते हैं घुमाने वाला, जिसे घुमा सकते हैं स्क्रॉल व्हील, ऊपर नीचे या डाउन कर सकते हैं। इट यूजुअली कम्स विद ए कॉर्ड दैट इज कनेक्टेड टू द सिस्टम यूनिट। ये इसके साथ एक कॉर्ड यानी कि वायर लगा रहता है जो सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होता है, यानी कि सीपीयू से कनेक्ट रहता है। इसमें आपके लिए कुछ अलग से लिखा हुआ है माउस पैड, तो यू शुड ऑलवेज कीप ए माउस ऑन द माउस पैड। हमें यानी कि हमसे बोला जा रहा है कि हमें अपने माउस को किस पर रखना चाहिए, माउस पैड। एक पैड आता है उस पर रखना चाहिए। फ्लैट पैड क्या होता है ना, फ्लैट होता है, बाकी अदर सरफेस में अगर रफ सरफेस है तो माउस प्रॉपर चलता नहीं है, इसलिए माउस पैड में प्रोवाइड किया जाता है। द माउस पैड सेव्स द माउस फ्रॉम डस्ट एंड प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस। ये डस्ट वगैरह से बचाता है और इसे स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। तो आप देख सकते हैं माउस की पिक बनी हुई है, इसमें बीच में स्क्वायर व्हील है, एक तरफ लेफ्ट बटन है, एक तरफ राइट बटन है, और इसकी एक कॉर्ड यानी कि वायर लगा हुआ है इसके साथ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ माउस। माउस का क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है माउस को, कैसे यूज किया जाता है, इसको देखेंगे हम। ये माउस है सीरीज यूजेस। माउस के यूजेस होते हैं पॉइंटिंग एट आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें कोई आइटम को पॉइंट करना है, सेलेक्ट करना है, तो हम माउस का यूज करेंगे। सिलेक्टिंग एंड ओपनिंग आइटम्स ऑन द कंप्यूटर। किसी भी आइटम को ओपन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। प्लेइंग गेम्स ऑन द कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर में गेम्स खेलने हैं उसमें भी हमें माउस की हेल्प लेनी पड़ती है। आगे है ड्राइंग एंड कलरिंग पिक्चर्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पेंट में या कोई और सॉफ्टवेयर में पिक्चर ड्रॉ करते हैं या कलर करते हैं, उसमें भी माउस की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये तो इसके यूज हो गए। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ माउसेस। माउस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस आर लिस्टेड बिलो। नीचे दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के माउसेस। पहला वायरलेस माउस। वायरलेस मतलब बिना वायर के, लेस मतलब बिना वायर के, जो विदाउट कॉर्ड माउस होते हैं वायरलेस होते हैं। ए माउस विदाउट वायर और कॉर्ड इज कॉल्ड ए वायरलेस माउस। वो माउस जिसमें वायर नहीं होता है या कॉर्ड नहीं होता, उसको हम वायरलेस माउस बोलते हैं। एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको अलग से पॉइंट दिया हुआ है, डॉगलास इंगेलबर्ट इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस। ये एक डॉगलास इंगेलबर्ट एक इंसान है जिसने माउस कंप्यूटर माउस की खोज की। अगर पूछा जाता है हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर माउस, तो आप क्या लिखेंगे, डॉगलास इंगेलबर्ट। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जीके का क्वेश्चन है, ये याद रखना जरूरी है। आगे ऑप्टिकल माउस। तो मैंने आपको पहला माउस का टाइप बताया वायरलेस माउस, यानी कि बिना वायर का माउस। सेकंड है इसमें ऑप्टिकल माउस। ए माउस दैट यूजेस एन ऑप्टिकल सेंसर और मूवमेंट फॉर द माउस मूवमेंट ऑफ द माउस पॉइंटर इज कॉल्ड एन ऑप्टिकल माउस। वो माउस जिसमें ऑप्टिकल सेंसर को माउस के मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, उसको हम ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ऑप्टिकल समझते हो लाइट, प्रकाश से जो संबंधित होते हैं उनको ऑप्टिकल बोलते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा नीचे माउस के नीचे रेड रेड कलर की लाइट चलती रहती है, तो क्या है, लाइट से सेंस करता है वो। आगे है एक और बॉल माउस। पहला वायरलेस था ऑप्टिकल माउस, ये आ गया फिर बॉल माउस। ए बॉल माउस विच हैज अ बॉल फिक्स्ड ऑन इट्स अंडर साइड इज कॉल्ड ए बॉल और मैकेनिकल माउस। वो माउस जिसके नीचे एक बॉल फिक्स रहती है, बॉल की तरह मतलब गोल गोल बॉल की तरह फिक्स रहती है, उसको हम बॉल या मैकेनिकल माउस बोलते हैं। बॉल माउस बोलते हैं या फिर उसे मैकेनिकल माउस बोलते हैं। व्हेन ए बॉल इज रोल्ड ऑन द सरफेस, तो बॉल नीचे थोड़ी निकली रहती है, उसको रोल करते हैं सरफेस पे, तो द माउस पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन मूव्स। तो माउस पॉइंटर है जो कंप्यूटर स्क्रीन पे यानी मॉनिटर पे मूव्स करता है। एक तो ऑप्टिकल यानी कि लाइट से मूव करता है, लाइट सेंसिंग से मूव करता है। दूसरा क्या, बॉल जैसे मूव कराएंगे सरफेस पे तो उससे मूव करेगा, उसकी हेल्प से मूव करेगा। अब आगे इसका टॉपिक है हाउ टू होल्ड अ माउस। हम माउस को कैसे होल्ड करेंगे, कैसे पकड़ा जाता है माउस।
राइट हैंडर है तो, यानी कि राइट हैंड से बात करते हैं तो, आगे क्या करना है, पुट योर इंडेक्स ऑन द इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन, इंडेक्स फिंगर ये वाली होती है, इसको लेफ्ट बटन पर रखना है आपको, पुट योर मिडिल फिंगर ऑन द राइट बटन, और जो राइट बटन है उसपे मिडिल फिंगर यानी बीच वाली गोली रखनी है, रेस्ट द पाम ऑन इट, फिर उसके बाद पूरी हथेली उस पर जमा दो माउस के ऊपर। आगे इसमें माउस पॉइंटर,